एबी अंदर समूह दर्शकों को हम लेके आए हैं फाजिलका के नेशनल शाहरा नंबर 10 पर रेलवे फ्लाईओवर पर, जहां पर जो सुबह से धरना लगा है आरटीओ द्वारा, जो मंडी में अनाज पड़ा है, जो मंडी में सामान पड़ा है उसको उठाने के लिए सरकार द्वारा लिफ्टिंग नहीं करी जा रही, और अब रात के लगभग 9 बजने के पास हो गए हैं, लेकिन प्रशासन व सरकार व किसी भी विधायक व किसी भी सरकारी अधिकारी से कोई भी उन्होंने उम्मीद नहीं लग रही। अभी जो 5 मेंबरी वफद गया हुआ है उसकी भी कोई संभावना नहीं आ रही है। अभी हम आपको लेके चलते हैं इन आरतियों, इन टोलों, इन मुनीमों के पास, जो कि इस मांग को लेके बैठे हुए हैं भी जो मंडी में धान पड़ा है उसको उठाया जाए, चाहे जैसे भी उठाया जाए। अभी उनका क्या कहना, हम आपसे उनकी बात कराएंगे। चलिए हमारे साथ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਵਰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੋ ਧਰਨਾ ਆੜਦੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆੜਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆੜਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ इतने किसानों माल लैके फाजिलका जो फिरोजपुर जाता है मेन रस्ता पुल जाम करा, पर सरकार से मैं कहना कोई परवाह नहीं की किसी गल की। इस कारण ही अज जो आरटीओ ने भी धरना लाया है, तुम देख सकते हो सवेरे 11 बजे से सारे बैठे हैं, 9:30 के करीबन टाइम हो गया। सरकार को अजे भी कोई शर्म नहीं, कोई इन्हों की आड़ती है, किसानों की है, मजदूर की है, जो भी इन्होंने मसले ने जो मीटिंग है हल करते नहीं लग रहे मंदिर से। इस करके आड़ती यूनिट सारे चौं एक लंगर भी मंगा लिया है, एक गड्डे भी मंगा ले ने, सबको गड्डिया की लड़ नहीं होती। इतने सड़क भी सौ जाएंगे, इतनी अच्छ सौ के जी रात है लगता गुजारनी पैनी है। इतों असं उदों तक नहीं उठना जो तक लिफ्टिंग का काम चालू नहीं होता। साढ़े किसान बड़े परेशान ने, बेचारे किराए से लैके ट्रालियाँ चुना लैके आ रहे हैं, पर उन्होंने चुना इतने बेचने नहीं रखने लिए मंडी जगह नहीं मिल रही, क्योंकि लिफ्टिंग का काम बंद हो गया। चाहते जो धरना जा रहा है सवेरे 11 बजे लगभग रात के 9 बजे चंगी तरह जानते हो जो काम जरा मंडी के चारों रूप नहीं चल रहा, उस दे वास्ते अज जरा साढ़े आड़ती ने धरना लगाया है। प्रशासन अगे हाथ जोड़ के बेनती करना कि यह साडा धरना खत्म कराया जाए, सुचारू रूप का साड़ी लिफ्टिंग चालू कराया जाए, और धरना यह आड़तियां तो उदों तक चालू रहेगा जो तक कि लिफ्टिंग का काम चालू नहीं कराया जाता। परमात्मा करे धरना जल्दी तो जल्दी खत्म हो जाए, प्रशासन साडी गलत ने, साडी मंग जिहड़ी है बहुत जायज है, कोई ए नजायज गल नहीं हैगी। असीं तां सिर्फ मंग लिफ्टिंग की पुछ रहे कि साडा माल चक्या जाए, उत्तों बाद आने वाली है जो मंडी परमल की वहली होएगी तो बासपति का स्पेस बनेगा, तो बासपति असीं लवान चुके होवांगे। साडी प्रशासन अगे कोई मंग है भी जल्दी तो जल्दी है भी लिफ्टिंग का काम जिहड़ा सुचारू ढंग नाल चलाया जाए, और जोर मंग है जी। जिन्ना चिर साडी मंग नहीं मंगी जाएगी मनी जाएगी असीं जिहड़े कहिंदे आ साडा काम जारी रहेगा। परमात्मा अगे असीं यही दुआ करदे हां प्रशासन अगे 11 बजे लगभग रात के 9 बजे एसोसिएशन ने जो धरना लगाया ये प्रशासन तो जो राजनीतिक खेल चल रही है उन्होंने गलत हो जाए, क्योंकि
चार तरीक तो पचे चल रही है, अज 19 तरीक हो गई मंडी के माल मोटर नहीं हो गया जिस कारण आड़ दिन परेशानी आ रही है। अगो 11 की फसल हफ्ते बाद आने तैयार है, तो जगह है नहीं, स्पेस है नहीं, तो जो माल है वो भी शॉर्ट है, कंटे पेगी जो मीटिंग ना हो। इस करके पार्टियां ने बहुत बार प्रशासन भी जो राजनीतिक समय मौजूदा नुमाइंदे ने उन्होंने बेनती की साड़ी लिफ्टिंग सुचारू ढंग चलाया जाए, पर उन्होंने सभी गल से कोई भी ठोस जवाब नहीं दिता। असी प्रशासन को अल्टीमेटम दिता से जे साडे इस मसले का हल ना होया तो असी चक्का जाम भी करा, धरना भी देंगे, जिस करके सू चक्का जाम करना पाया, धरना लगाना पाया। यह धरना साडा उदों तक चलेगा जो तक सू प्रशासन ठोस जवाब नहीं देता, लिफ्टिंग रोड या मंडी के ट्रक लिफ्टिंग शुरू नहीं कर देंगे उदों तक साडा धरना जारी रहेगा। असं उतो जिम्मे किस तरह भी लैके आए हैं तो लंगर भी चल रहा है, इन्ना समझन भी ये शाहूकारा जमात है, तो रात को इतने बह नहीं सकती, असं अब एक लड़ांगे तो रात को इतने सोवे फ्लाई ओवर जाए। 11 बजे शुरू होया, रात के लगभग 9 बज गए। देखो जी, धरना तो कदम भी असं आड़ती शांति प्रिय कौम, परंतु सरकार या प्रशासन ने सानू इन्ना कमजोर समझ रखे है कि यह 2 घंटा धरना ला के उठ जाएंगे। अज तो 15 दिन का सानू लोलीपॉप डीसी साहब दे रहे ने, हर बारी हां हां, परंतु कदे भी सानू सही मतलब साडी समस्या का समाधान नहीं होया। कल असी सारे प्रण करके असी बैठे हाँ कि जिथे तक साडी समस्या का समाधान नहीं होएगा आ धरना कंटिन्यू रहेगा। हूँ ही साडे साथी गए हुए ने, जे कोई साड़ी समस्या का प्रोपर समाधान होएगा फिर सोचांगे, अदरवाइज चाहे रात भी असी आड़ती इतने तैयार ने, सौन वास्ते बिस्तर आ चुके ने, लंगर है, सवेरे भी असी सवेरे इतने धरना लावांगे, मंडी कोई कम नहीं होगा, सारी मंडी कंप्लीट बंद होगी। धरना लाया है प्रशासन साडे कोई सुनवाई नहीं की, इस करके असी दोपहरे भी इतने रोटी खाधी है, रात भी इतने खाधी है, जो सरकार साडी भी सुनवाई करेगी तो सवेरे भी पिछले 20 दिन तो मंडी सीन चलिया है, कोई बोरी लिफ्ट नहीं हो रही, लिफ्टिंग साड़ी चलाई जाए तो मंडी छदी जल्दी खाली की। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 11 ਵਜੇ ਧਰਨਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 9 ਵਜ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। प्रशासन लंगर खाना पड़ता जो फाजिलका प्रशासन है, डीसी साहब ने उन्होंने नलायकी है जी पूरी तरह, भी जेड़ा असि इतने सड़क से बह के लंगर खा रहे हैं, पूरी तरह चेतावनी देने, अगर सुबह तक साडिया मंगा नहीं मनिया गई सारा फाजिलका बंद होगा, रिजल्ट इन्हों इस करके साडी गुजारिश है भी जल्दी जल्दी साडा माल लिफ्ट कराया जाए। रेलवे सामने दफ्तर है, हाँ जी, कि तुहाडे वालों या तुहाडी यूनियन वालों विधायक ने कोई अप्रोच या आवाज नहीं की कि मंडी खाली कराई जाए? विधायक साहब लंगर खाते दी विनता करन गए सी मार्केट कमेटी दे विच, पर विधायक साहब ने सवेरे करा देंगे, पर अजे तक करनी होई। अज भी विधायक साहब का मैनू फोन चंडीगढ़ों आया सी, उन्होंने मैनू कहा सी दसो की तुहानू मुश्किल है, मैं साडे नाल आ के इत्थे बैठो साडे नाल, कहते सी मैं उन्होंने फिर एक सुजैशन दी भी शैलर एसोसीएशन ने डी एफ सी नू लैटर लिखा भी असी माल चक्कन नू तैयार हाँ, तुसी अलाउ करा दिओ इस तरह की लिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। वह कहते सी मैं हुणे तुहानू करा के तुहानू हुणे जवाब देना, पर अजे तक कोई जवाब विधायक साहब का नहीं आया। मुख मंगा एक लिफ्टिंग, लिफ्टिंग के अलावा एक शॉर्टेज है जी, जो तुहानू पता 15 दिन का माल तुलिया पै, इनकी शॉर्टेज ड्यू टू नैगलीजेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर उनके करके हो गई, अदरवाइज ये माल लिफ्ट होता रहा, इनकी शॉर्टेज आ रही थी, हम शॉर्टेज असी नहीं देवे, तो आपे एडमिनिस्ट्रेशन जाने शलर वाला जाने, साडा कोई मतलब नहीं।
एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।